महिला बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ी संचालित किया जा रहा है, लेकिन गरियाबंद जिला के वार्ड नंबर 10 में आज 7 साल हो गए हैं और आंगनबाड़ी भवन अब तक नहीं बन पाया है। आइए जानते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे इस आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए आते हैं, क्या कारण है कि अब तक यहाँ आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया है। मोर ना 2006 से नियुक्ति हुई। 7 साल में कितना जगह बदल डाले हो? 7 साल में मैं 4 जगह बदल डाले और 200 रुपए में कोई अपन घर देवर कोई तैयार नहीं हुई। मैडम अपन सहायिका और मैं दोनों मिल के हमन ना अपन 100-100 रुपया डाल के हमन संचालित कर रहे थे आंगनबाड़ी ला। योगेन कुटारे ओला में बोले हूँ, भैया मोला ऐसे ऐसे परेशानी है कही के, तो वो बोलते मोर खंडर पड़े है तो ला आंगनबाड़ी संचालित करना है मैडम, तो बोला सुधार और रही जा कही के, तो वो ना खंडर में कम से कम मोर साही का ना एक गाड़ी मिट्टी लाईस, वो मिट्टी पूरा वो दीवार पूरा उखड़े रहीस, ओकर बाद वो में छपवाए हन, चूना उना लिपवाए हन, छानिल बनवाए हन, वो में नहीं नहीं में 2000 रुपया लगीस। साही का कार्यकर्ता दोनों ही मिल के वो पूरा रिपेयरिंग करी हन और लिख लिख के तो मैं नगर स्वराज, ग्राम स्वराज, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद में सब लिख लिख के मैं आवेदन दे डाले हूँ, लेकिन मोर कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला बाल विकास लिख के देथन तो वो बोलते कि नहीं ग्राम पंचायत बना ही ऐसे कही के बोलते, तो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में जाके बोलते तो वो मन का बोलते हमला एजेंट बना ही तब हमन भवन बना के दे सकते हैं कही के। का चीज के एजेंट पता नहीं, अब उच नगर पंचायत वाले मन जानी, अध्यक्ष मैडम ला भी मैं आवेदन दे चुके हूँ, उकर मोर पास पावती है। जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अपील है कि गरियाबंद जिला कलेक्टर को फोन करके आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए दबाव डालें। मैं रीना राम के जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।